Good morning, everyone. Continuing with our topic, product classification on the basis of durability. On the basis of durability, हम तीन parts में divide करते हैं, durable products, semi-durable products and non-durable products. Durability का सबसे पहले meaning क्या होता है? Durability का मतलब है कि जो product है, वो कितने लंबे time चलेगा. तो According to American Marketing Association, durable products are those products which can be put to use for more than one time. Durable products का मतलब है वो products जिसे आप एक से ज़्यादा time तक use कर सकते हो, मतलब एक से ज़्यादा बार तक आप जिसे use कर सकते हो. तो जो durable products होते हैं वो tangible products होते हैं जिनकी long life होती है, जिसे आप बार बार use कर सकते हो for months after months and years after years. और generally जो इनका price होता है वो ज़्यादा होता है और guarantee और after sale services इन products में आपको मिलती है. इन प्रोडक्ट्स को जब आप सेल करते हो, जो मार्केटर है वो पर्सनल सेलिंग को यूज़ करता है और हाई मार्जिन्स इनमें उसे मिलता है एट स्पेशलिटी शॉप्स. फॉर एग्जांपल टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर, कंप्यूटर, वैक्यूम क्लीनर, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, मशीन एक्सेट्रा, ये सारे आपके ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं. और ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें ज़्यादा सेलिंग एफर्ट्स चाहिए होती है सेल्समैन की तरफ से एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स. और ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स दोनों हो सकते हैं. देन सेमी ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, सेमी ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक लिमिटेड पीरियड तक आप यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपके रेडीमेड गारमेंट्स हो गए, शूज, स्पोर्ट्स मटेरियल, गैस लाइटर, टायर सेंट्रीफ्यूग, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, बैटरी सेल्स एक्सेट्रा. और ये प्रोडक्ट्स डिफरेंट वेराइटीज में अवेलेबल होते हैं. देन नेक्स्ट इज नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स. नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसे आप एक बार या एक या दो बार यूज कर सकते हैं. जो नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो टेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं और नॉर्मली आप उन्हें कंज्यूम करते हो एक या एक दो बार. जो नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें दो पार्ट्स में आप डिवाइड करते हो, वन टाइम यूज प्रोडक्ट और फ्यू टाइम यूज प्रोडक्ट. वन टाइम यूज प्रोडक्ट्स पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें आप एक ही बार यूज कर सकते हो और ये डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देते हैं ह्यूमन वॉन्ट्स की, जैसे मिल्क हो गया, बटर, घी, वेजिटेबल, फ्रूट, स्वीट्स, चॉकलेट्स एक्सेट्रा. जो प्राइस होता है इन प्रोडक्ट्स का वो नॉर्मल होता है. कन्वीनियंट प्रोडक्ट होते हैं, जो डिमांड होती है इन प्रोडक्ट की वो डिपेंड करती है आपकी डेली नीड्स पर, हैबिट्स पर जो कंज्यूमर्स की हैं. और लेस ब्रांड प्रेफरेंस यहाँ पर होती है. जो प्रोडक्ट्स हैं इजीली अवेलेबल होते हैं सभी मार्केट एरियाज में, कंज्यूमर डिमांड करता है इन प्रोडक्ट्स को अकॉर्डिंग टू देयर डेली नीड्स. और ये जो प्रोडक्ट्स हैं आप फ्रिक्वेंटली परचेज करते हो. देन अ फ्यू टाइम यूज प्रोडक्ट्स, और ये जो होते हैं कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, इन्हें आप थोड़े यूज करते हो, मतलब आप एक से ज़्यादा बार यूज कर रहे हो लेकिन ये आपका महीनों तक यूज नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल बाथिंग सोप, वॉशिंग सोप, रिफिल्स, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, शू पॉलिश, कॉस्मेटिक आइटम्स एक्सेट्रा. अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई है तो ज़्यादा चांस होंगे कि वो उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा, रिपीट परचेज करेगा. जो एडवर्टाइजिंग है वो बेस्ट मेथड है इस तरीके के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए. हैवी प्रमोशनल एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं इन प्रोडक्ट्स के लिए ताकि जो ब्रांड प्रेफरेंस है वो क्रिएट हो सके और लॉयल्टी कस्टमर्स के बीच में क्रिएट हो सके. जो मास डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है आप अडॉप्ट करते हो इन टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं मेजॉरिटी ऑफ दी शॉप्स में स्मॉल प्रॉफिट मार्जिन के साथ. जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के लिए, दोनों के लिए डिफरेंट होती है. ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के लिए स्पेसिफिक मार्केटिंग जो आप यूज करते हो वो ऑथराइज्ड डीलरशिप है. सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज जो मैन्युफैक्चरर और डीलर्स हैं वो दोनों करते हैं. और ये जो प्रोडक्ट है इनकी रेगुलर डिमांड होती है. और जो क्लासिफिकेशन है वो इम्पॉर्टेंट है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप यूज करेंगे. देन जो सर्विसेज की अगर हम बात करें तो सर्विसेज भी आपका एक प्रोडक्ट है. ये सर्विसेज का मतलब है वो एक्टिविटीज और बेनिफिट्स जो आप कस्टमर को प्रोवाइड करवा रहे हो उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए. इन्हें आप स्टोर नहीं कर सकते, ये पेरिशेबल है नेचर में, और इनकी सेल्स डिपेंड करती है क्वालिटी के ऊपर एज वेल एज
गुडविल जो है सर्विस प्रोवाइडर की उसके ऊपर, जैसे सर्विसेज ऑफ बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंसल्टेंट्स एसेट्रा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रैटेजीज, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।